अब देख सकते हो यहाँ पे हमने आईब्रो फिल किया है। आईब्रो फिल करने के बाद हमने अपना एक आई बेस भी रेडी कर लिया। आई बेस को हमने कॉम्पैक्ट से लॉक किया है, ये मैक का कॉम्पैक्ट है NC25। जब हमारा आई बेस बहुत अच्छे से रेडी हो जाए फिर हम आई शेड अप्लाई करेंगे। जो मैं यहाँ पर आई शेडो के लिए पैलेट ले रही हूँ वो है बी परफेक्ट कार्नविल एक्सेल प्रो पैलेट। इसका जो मैं कलर एक ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ मीडियम ब्राउन। इसका जो कलर का नाम है ये है बेसिक। तो सबसे पहले हमने एक मीडियम ब्राउन कलर हमने इसलिए भी लिया है, जो भी हमारा कंसीलर है, कंसीलर जो बिल्कुल वाइट वाइट दिखता है, हमेशा उसको एक लाइटर शेड से हमेशा उसको हाइड कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है वो कंसीलर हमारा वाइट वाइट नहीं दिखता है। और जब भी हम लाइट शेड ब्लेंड करते हैं तो इसके लिए आपके पास एक लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए। ये जो हम ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रहे हैं ये प्लूम का है। जब हमारा आईज पे लाइट ब्राउन कलर अच्छे से अप्लाई हो जाए दोनों आईज पे, फिर इसके बाद हम एक कलर लेंगे इंट्यूशन। ये इंट्यूशन कलर है, सेम आई शेडो पैलेट में से लिया है, बी परफेक्ट एक्सेल प्रो की आई शेडो पैलेट से। और जो हमारा ब्लेंडिंग ब्रश है ये PAC का है, 229 ब्लेंडिंग ब्रश है। और आपको फिर एक शेड अप्लाई करना है डार्क ब्राउन, जहाँ से हमारा आईब्रो का शेप बनता है सेम वहीं से आपको स्ट्रेच करना है, और आई बॉल के बैक साइड से आपको स्टार्ट करना है शेड। तो पहले आपको डैब डैब करना है, डैब डैब करने के बाद आपको ब्लेंड करना है। जब भी आप ब्लेंड करोगे तो क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए आउटर टू इनर कॉर्नर तक आपको जाना है। और मर्जिंग में आपका जो ब्रश स्मर्जिंग रहेगा वो हमें आपका रहेगा वाइपर स्टाइल में। जो वाइपर है जैसे कार का वाइपर होता है ना, अप एंड डाउन उस वे में आपको चलना है, नॉट पोछे वाला वाइपर नहीं, जो घर वाला वाइपर होता है उसमें आपको नहीं वर्क करना है। डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में ही आपको शेड अप्लाई करना है, और वो भी क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए। अभी मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन डाला, बट मुझे कलर की इंटेंसिटी थोड़ी और डार्केस्ट पर चाहिए, तो उसके लिए मैं इसी पैलेट से सेम लाइट्स आउट कलर ले रही हूँ जो कि ब्लैक कलर है। इसका मैं लिटिल बिट कलर लेके जस्ट जो मेरा डार्क ब्राउन मैंने अप्लाई किया था उसको डार्केस्ट ब्राउन में कन्वर्ट करूँगी। और इसके लिए जो हमने ब्रश लिया है ये सेम ब्लेंडिंग ब्रश है, PAC का 229 ब्लेंडिंग ब्रश है। और इस शेड को भी उसी फॉर्म में अप्लाई करना है, वाइपर वाले फॉर्म में, और जहाँ से हमारे आईब्रो का आर शेप होता है वहाँ से स्ट्रेच करके सेम जहाँ आपने ब्राउन कलर अप्लाई किया उसी के ऊपर आपको अप्लाई करना है, जिससे क्या हो ब्राउन थोड़ा हमारा और भी डार्क हो जाए, इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाए। और अभी आप देख सकते हैं दोनों की कलर इंटेंसिटी में डिफरेंस। तो जब हमारा ब्राउन शेड अच्छे से अप्लाई हो जाए दोनों ऐसे, फिर हम इसको करेंगे कट क्रीज। कट क्रीज करने के लिए जो हम शेड ले रहे हैं NYX का शेड है ये, और इसके लिए हमने एक फ्लैट ब्रश लिया है, प्लूम का है P11। तो अब हम आप देख सकते हो अब हम कट कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले हम आईबॉल पे कलर अप्लाई करेंगे। कलर अप्लाई करने के बाद जहाँ से हमारा आईब्रो का आर शेप बनता है आपको वहाँ से स्ट्रेच करना है, फिर आपको आईज ओपन करवाना है। ओपन होने के बाद आप देख सकते हो आपको एक मेजरमेंट मिल जाता है, जो क्रीज लाइन है वहाँ पे हमारा वाइट शेड अप्लाई हो गया है। जस्ट उसी को फॉलो करते हुए हम कट करेंगे स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक में। और जब आप कट क्रीज करते हैं मेक श्योर आप ना कभी भी कलर को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा लिटिल बिट डाउनवर्ड ही रखना है अपनी क्रीज लाइन के साथ, और बहुत ही पेशेंसली कट क्रीज करना है। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो मैं तो बोलूँगी आप टाइम लेके ही करो, क्योंकि देखो पेशेंसली करोगे तो ठीक चीज़ होगी, और अगर आप ख़राब करोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ड्रामेटिकल कट क्रीज बन जाता है वो, और बहुत ही मतलब आपका जो मेकअप है बहुत ही ड्रामेटिकल मेकअप हो जाता है। तो कट क्रीज करने के टाइम पर हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपको बहुत ही पेशेंसली कट क्रीज करनी है। और जो मैं कट क्रीज कर रही हूँ थोड़ा सा जो मैं कर रही हूँ उसको नोज़ के पास से कर रही हूँ, और बहुत स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स में आपको लेना है अपने फ्लैट ब्रश के साथ। और आप देख सकते हो कि जहाँ से हमने आईब्रो का आर शेप है वहाँ से स्ट्रेच करके रखना ही है आपको। इससे क्या होता है जब आप आईब्रो कि जहाँ से आर शेप बनते हैं आप वहाँ से स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच करने के बाद आपको क्रीज लाइन बहुत ही अच्छे से दिखती है, अच्छे से विजुअल होती है, तो उसी को बस फॉलो अप करते हुए आपको कट करना है। कट करते वक्त स्ट्रेच करने से क्या होता है जो आपकी आईज का जो स्किन है वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है, टाइटन हो जाती है, और आपको बहुत ईजी हो जाता है उस पर
आई शेडो लगाना या फिर कट क्रीज करना या कोई भी काम आप आई पे कर रहे हो तो वो बहुत इजी हो जाता है। और कट करते वक्त एक चीज़ का और आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आप देख सकते हो आप चाहो तो आई बॉल तक भी कट कर सकते हो और चाहो तो आई बॉल के बैक साइड तक। अगर आपको आई बॉल तक कट करना है तो इसके बाद आप कोई अदर शेड डालना चाहो या लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। और आप आई बॉल के बैक साइड तक भी कट करते हो तो इसमें क्या आप डिफरेंट 3 to 4 शेड भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप देख सकते हो हमने जो कट किया है, आप देखो कट की जो हमने डायरेक्शन है वो नोज तक लेके गए हैं थोड़ा सा वेलचेन मेकअप में। और ये बहुत ही डिफरेंट है, ये जो कट क्रीज हमने किया है बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मली जो हम करते हैं वो जो हमारा इनर कॉर्नर होता है वहाँ से करते हैं, बट इसमें जो बेल्जियम मेकअप में जिस तरीके जब दोनों आईज पे अच्छे से हमारा आई मेकअप कट हो जाए, कट होने के बाद जो हमारा वाइट वे सप्लाई हो जाए, इसके बाद हम एक शेड लेंगे जिसका नाम है बेसिक है, और सेम ब्लेंडिंग ब्रश लेना है 229। अब आप देख सकते हो जो हमने कट किया है, कट करने के बाद आपको एक ये लाइन दिखती है, इस लाइन को मर्ज करना एक लाइटर शेड से। आप चाहो तो सेम शेड से भी आप मर्ज कर सकते हो, बट हम एक लाइटर शेड ले रहे हैं ताकि हमारा आई मेकअप थोड़ा शेडिंग में आए। और आपको मर्ज कैसे करना है, डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में मर्ज करते हुए आपको आईबॉल की साइड जाना है सेम ब्लेंडिंग ब्रश से जिसका नंबर है 229। जब आपका आई मेकअप कंप्लीट हो जाए, आई मीन टू से जब आपका आई शेडो पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं हमने कट क्रीज किया है, मुझे यहाँ पर कुछ शाइनिंग में सैटन कलर चाहिए, बट आज मैं आप सबके आगे एक नया सैटन कलर डायमंड डस्ट दिखाने वाली हूँ, वो मैं दिखाने वाली हूँ। तो आप देखिए वो है मेरे पास शोलो ब्रांड प्रोफेशनल, जो शोलो है उसके डायमंड डस्ट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। आज मैं इसको आपको दिखाऊंगी ओपन करके। ये इसकी पैकेजिंग है, इसमें 5 कलर्स हैं, 1 इज़ फ्लिकर, अदर 1 इज़ क्वेरी, 3rd टील, अमेंडा एंड लास्ट 1 इज़ ब्रॉन्ज। ये बहुत ही अमेजिंग है, मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि ये किस तरीके का लुक देते हैं, कैसे ये लगते हैं जब हम इसे अप्लाई करते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, ये होलोग्राफिक है, ये लाइट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग है। आप इसको डायरेक्ट ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हो और एज अ हाईलाइटर, बोन हाईलाइटर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, चीक्स पे भी आप इसको एज अ हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हो, इवन आप लिप्स पे भी हाईलाइटिंग करके इसको अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, इजी टू अप्लाई है और ये विदाउट ग्लू अप्लाई आप कर सकते हो। अब मैं आई बॉल पर डालूंगी डायमंड डस्ट। डायमंड डस्ट जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है शोलो प्रोफेशनल। एक्चुअली मैं तो इसे टैशलो प्रोनाउंस करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, बट कंपनी जो जिस कंपनी का ये ब्रांड है वो है शोलो। शोलो में टी साइलेंट है, बट आई लव टैशलो, मेरा बहुत फेवरेट है टैशलो बोलना। इट्स अ डायमंड डस्ट, ये डायमंड डस्ट है। इसका मैं जो कलर डायमंड डस्ट अप्लाई करने के लिए मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये भी सेम ब्रांड शोलो का है, इसका नंबर है S101। ये बहुत अमेजिंग है, इजी, मतलब इससे ना एप्लीकेशन इतनी इजी हो रही है, बिल्कुल भी डस्ट फॉल नहीं हो रहा है इस ब्रश के साथ। आप बोथ आईज में इसी तरीके से इसको अप्लाई करेंगे और जब आप कोई भी डस्ट या सैटिन कलर अप्लाई करते हैं तो हमेशा डैबिंग फॉर्म में।
आप लाइनर अप्लाई करोगे, देखो जहाँ से हमारा आईब्रो का आर शेप बनता है और एंड से आपको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करने के बाद जो आई लैसेस है बिल्कुल अटैच होते हुए ही आपको लाइनर अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि आई लैसेस और लाइनर के बीच में कोई गैप दिखे वाइट वाइट, और आप चाहो तो विंग लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो, वो आप अकॉर्डिंग टू क्लाइंट ही आपको अप्लाई करना है। अब जब आपका मेकअप कंप्लीट हो जाए, आप आई लैशेज अप्लाई कर लें, उसके बाद हम लगाएंगे काजल। जो मैं काजल ले रही हूँ यहाँ पे, वो स्किन कलर का है और इसका जो ब्रांड है वो है फेरा रूशी। ये फेरा रूशी का स्किन कलर का काजल है, इसको हम वाटर लाइन पर अप्लाई कर रहे हैं। दोनों आईज़ में आप अप्लाई करेंगे, बहुत ही जेंटली अप्लाई करेंगे और थोड़ी इंटेंसिटीज़ की बढ़ा के ही आप इसको अप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हो जब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाए, आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद हम करेंगे बेस एप्लीकेशन। बेस एप्लीकेशन करने से पहले हमने किया है फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन। क्लीन करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं ये मैक्सिमिया का मॉइस्चराइज़र है, वाटर बेस्ड। ये वाटर बेस्ड है, ये बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये ऑल टाइप्स ऑफ स्किन है। इससे स्किन का जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ रहता है, नॉन ग्रीसी रहता है और ये इंटरनली हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और स्मूथ करता है। और जब भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो तो आपको उसके लिए ब्रश यूज़ करना है। ये है शोलो का D204 फ्लैट ब्रश, और इस ब्रश से आपको पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने शोलो का ये ब्रश लिया है D204, इससे इतनी अच्छी एप्लीकेशन हो रही है। आप देख सकते हैं पूरा मॉइस्चराइज़र फेस पर है, ना कि इसके ब्रश के अंदर, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हम ऐसे फ्लैट ब्रश ले लेते हैं या फाउंडेशन एप्लीकेटर ब्रश ले लेते हैं जिनमें ब्रश के अंदर ही मॉइस्चराइज़र चला जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इससे बहुत अच्छी एप्लीकेशन हो रही है मॉइस्चराइज़र की, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पूरे फेस पर बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र अप्लाई हो गया है। जो हमारा सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइजर के बाद है, ये मैक्सिमिया का है द रियल मैजिक ड्रॉयल। ये एज अ प्राइमर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ मॉडल के ऊपर, ये बहुत ही अमेजिंग है। आप इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं हैंड के साथ और ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। ये जो मैं ब्रश ले रही हूँ सेम शोलो का ही है जिससे मैंने अभी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था D204, क्योंकि इसमें मेरा प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, पेनिट्रेट नहीं हो रहा है ब्रश में, तो मैं इसी के साथ इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत, तो हमारा जो थर्ड स्टेप है कंसीलर, पहले हमने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, उसके बाद हमने ऑयल प्लस प्राइमर यूज़ किया, इसके बाद है हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। ये एले गर्ल का प्रो कलर करेक्टर है, ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रहे हैं। आपको पता ही होगा जब भी हम कोई भी कलर करेक्टर यूज़ करते हैं तो हमेशा स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। वैसे तो आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी ब्रश है, हम ब्रश के साथ डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट समटाइम क्या होता है कोई मॉडल है या कोई क्लाइंट है, आपके पास क्लाइंट आया, उसके फेस पे बहुत एक्ने होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप डायरेक्ट इससे लगाओगे तो क्या होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। काफ़ी लोग कहते हैं मेकअप के बाद हमारे एक्ने हो गए, ये उसी वाली कंडीशन में होता है, इसलिए आप डायरेक्ट इसके साथ ना लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कभी कभी एक्सेस भी प्रोडक्ट निकल जाता है और वो आपके फेस पे लग जाते हैं। तो आप इसे स्पैचुला पैलेट पर लें, और मैं जो इसको अप्लाई करूँगी, मैं यहाँ पर शोलो का ही ये ब्रश ले रही हूँ S11। ये बहुत अच्छा ब्रश है, कंसीलर एप्लीकेटर ब्रश है, ये सीरियसली बहुत अमेजिंग है। और सबसे अच्छी बात है शोलो के ब्रशेस में कि ये प्रोडक्ट को अपने अंदर नहीं लेते, इसमें कोई भी प्रोडक्ट पेनिट्रेट नहीं होता, आपके फेस पर ही लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं अगर मैं करेक्टर लगा रही हूँ, वो सारा फेस पर ही लग रहा है लुकअप। और इसकी जो ग्रिप है, जहाँ से आपको ब्रश होल्ड करना चाहिए, आपको सीरियसली इससे ब्रश होल्डिंग आ जाती है, सीरियसली। ये तो मतलब इसी में है, ये मैंने किसी और ब्रशेज़ में ये चीज़ नहीं देखी है कि ग्रिप वाला सिस्टम किसी और ब्रशेज़ में है, शोलो में ये बिल्कुल अवेलेबल है। आप बिना सोचे समझे इनके ब्रशेज़ आप ले सकते हैं, सीरियसली ये बहुत अमेजिंग ब्रश हैं। और कलर करेक्टर जब भी आप अप्लाई करो हमेशा अकॉर्डिंग टू स्किन प्रॉब्लम ही आपको अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा आपको कलर करेक्टर वहीं पे अप्लाई करना है, डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में।
जब हमारा कलर करेक्टर अच्छे से अप्लाई हो जाए, इसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको डैब डैब करेंगे। तो आज जो हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग है। इस ब्रांड का नाम है शोलो। सीरियसली आप देखो ये कैसा लगता है, जैसे एक टाइम बॉम्ब। ओह माय गॉड, सीरियसली अगर इसे खोले तो इसमें से बॉम्ब जैसा ही ये ब्यूटी ब्लेंडर निकलता है। लुक एट दिस, सच में बहुत अच्छा है ये। आप अभी देखेंगे इससे मैं करेक्टर को भी ब्लेंड कर रही हूँ डैप करके, तो ये बिल्कुल नहीं ले रहा है अपने ऊपर प्रोडक्ट। ये सीरियसली बहुत अच्छा है लुकअप। और जहाँ जहाँ आपने कलर करेक्टर अप्लाई किया है उसी एरिया पे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपको डैप डैप करना है। डैप डैप आप जब भी करो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से करना है। जब भी आप लिप्स के आसपास कलर करेक्टर को मर्ज करो तो हमेशा लुकअप बोलना है, और लिप्स के आसपास वर्क करो तो लिप फोल्ड। जब आपका कलर करेक्टर अप्लाई हो जाए, कलर करेक्टर अप्लाई होने के बाद हमने व्हील यूज़ किया था फॉरएवर 52 का। अब देख सकते हो जो फेस हमारा ऑरेंजेस दिख रहा था वो हाइड हो गया, जितना भी आपका फेस ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा था। फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो हम करेंगे बेस एप्लीकेशन। तो बेस एप्लीकेशन में हम जो फाउंडेशन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बेस ले रहे हैं, वो है शील्ड्स एक्सक्लूसिव। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, और ये 24 आवर्स मैट फिनिशिंग अल्ट्रा HD परफेक्टो फाउंडेशन है। ये शाइन भी आपके मेकअप में बहुत अच्छी देता है, इसमें एक अलग ही रेडिएंट है। और सेकंड हम इसमें जो हाइलाइटर प्राइमर यूज़ करेंगे वो है फैशन फीवर फॉर प्रोफेशनल यूज़। ये बहुत ही अमेजिंग है अगर हम इन दोनों को मिक्स करके हम जो बेस एप्लीकेशन करेंगे इससे जो हमारा बेस होगा वो बहुत ही ग्लॉसी इफेक्ट देगा। एंड ठीक है, बाकी मैं अब हमने दोनों को मिक्स किया है। मिक्स हमने ऐसा किया है जो हमारा ल्यूमिनेटर था फैशन फेयर करके, उसका जो हमने परसेंटेज लिया है 25%, और जो फाउंडेशन है वो हमारा 75% है। दोनों को हमने स्पैचुला पैलेट पे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम फेस पे अप्लाई करेंगे। जो हम फेस पर अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कर रहे हैं। ये अगेन मैं शोलो का ही यूज़ कर रही हूँ। सीरियसली इससे अप्लाई करना ना बहुत इजी है। मैंने और भी ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किए हैं, वो इतने मतलब इतनी इजीली स्क्वीज नहीं होते हैं। अगर देखिए मैं इसी को अंडर आई भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत इजीली मैं इसको पॉइंटेड कर पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से स्क्वीज़ हो पा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट है और इतना स्मूथ बेस लग रहा है ना इससे। सीरियस आप देख सकते हो ये हमारी पूरा बेस एप्लीकेशन हो गया है। बेस एप्लीकेशन के बाद हम करेंगे कंटोरिंग। जो कंटोरिंग के लिए जो हम शेड यूज़ कर रहे हैं ये डार्कर शेड है, और ये है पर्पल का शेड है कंटोरिंग शेड। और जो मैं कर रही हूँ कंटोरिंग वो मैं डायरेक्ट स्टिक के साथ करूँगी। और कंटोरिंग करते हुए तब आप देखो कंटोरिंग आपको कैसे करना है। आपको पहले ना हेयर लाइन को फॉलो करना है, जिसको हम चिक्स बोन भी बोलते हैं। हेयर लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करना है और ऊपर की साइड ही आपको अपलिफ्ट करके ब्लेंड करना है। फिर जॉ, फिर नोज के दोनों साइडों पे आपको डार्कर कलर अप्लाई करना है। फिर सेम अपोजिट पे भी चिक्स बोन पे आपको अप्लाई करना है एंड जॉ लाइन। और जब कलर आपका बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाए, अप्लाई होने के बाद आपको इसको मर्ज करना है। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी मर्ज कर सकते हो, चाहो तो ब्रश के साथ। आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हम मर्ज कर रहे हैं। जो हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं ये है हमारा टैशलो का है। ये है टैशलो, वैसे हम लोग टैशलो बोलते हैं, एक्चुअली शोलो। ये जो मैं इसका ले रही हूँ, अभी मैंने जो बेस लगाया था फाउंडेशन लगाया था वो दूसरे वाली ब्यूटी ब्लेंडर से लगाया था, और अभी मैं जो कॉन्टोरिंग कर रही हूँ ये मैं अदर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कर रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। एक बॉम्ब अभी हमने पहले यूज़ किया, दूसरा बॉम्ब अब हम यूज़ कर रहे हैं। और हम इसको टैशलो इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हमने BA पढ़ा है, और BA भी हमने दो शब्द पढ़े हैं वो भी उल्टे। और अब ब्यूटी ब्लेंडर से आपको कंटोरिंग को बहुत अच्छे से मर्ज करना है डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में। जो चिक्स बोन वाली कंटोरिंग है ये ऊपर की साइड अपलिफ्ट होनी चाहिए, और जो जो है वो नीचे की साइड आपका अपलिफ्ट होना चाहिए। जिनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंटोरिंग को ब्लेंड करने में, सीरियसली वो बिना सोचे समझे इस ब्लेंडर को ले लें, बहुत ही ईजीली ये ब्लेंड हो रहा है। काफ़ी लोगों को होता है ना कि हमारी ईजीली ब्लेंड नहीं होती है कंटोरिंग, तो वो इसको बाय कर सकते हैं।
जब हमारा फीचर्स हाईलाइटिंग बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाए, आप देख लेना कहीं पे पैचेस नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है लूज पाउडर है। जो लूज पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं ये हुडा ब्यूटी का पाउडर है और इसका नाम है कप केक। और जो हम इसको अप्लाई करेंगे इस लूज पाउडर को, उस पाउडर पफ का नाम है शोलो। शोलो शोलो सीरियसली ये भी बहुत अच्छा है। हम इसको बहुत ही मतलब हम हमेशा इसी के साथ अप्लाई करते हैं अपना पाउडर और बहुत अच्छे से ये अप्लाई होता है। दूसरा इजीली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल स्किन में चला जाता है। इसके साथ हम डैबिंग फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं पाउडर को। पाउडर को आप जब भी अप्लाई करो तो पूरे फेस पे आपको अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ पे आपने कंटूरिंग करी है कंटूरिंग वाले एरिया पे आपको पाउडर अप्लाई नहीं करना है। अगर आप पाउडर कंटूरिंग वाले एरिया पे आप पाउडर अप्लाई करते हो तो वहाँ से कंटूरिंग बहुत लाइट हो जाती है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। वैसे तो ऑल ओवर पूरे फेस पे अप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ आपको अप्लाई नहीं करना है तो वो सिर्फ कंटूरिंग वाले एरिया पे जहाँ आपने अपना कंटूरिंग शेड अप्लाई कर रखा है। अंडर एरिया बहुत ही अच्छे से लूज पाउडर अप्लाई करना, और कहीं पर अगर स्किन में बहुत सारे ब्रेकेज होती हैं, लाइन्स आते हैं, वहाँ पर भी आपको कम से कम लूज पाउडर यूज़ करना है। अब हम लोअर लैश स्मज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने पहना है ये हर्ट वाला पफ और पैलेट मैं सेम ले रही हूँ कानविल, और इसका जो मैं कलर ले रही हूँ इंट्यूशन डार्क ब्राउन। और इसके लिए जो हमने ब्रश यूज़ कर रहे हैं अगेन शोलो S1। आफ्टर स्मजिंग द शेडो अब हम करेंगे डस्ट ऑफ। ये जो पाउडर आपने लगाया है इसको जो मैं डस्ट आउट करूंगी ये मैं ले रही हूँ D212 अगेन शोलो लुका। और जब भी जो डस्ट पाउडर है जो हमने अंडर एरिया पे अप्लाई किया था उसको आपको डस्ट ऑफ करते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्लाइंट को बोलना है लुकअप और इनर टू आउटर शेड पे जाके उसको डस्ट ऑफ करना है। जब फेस हाइलाइटर हमारा अप्लाई हो जाए उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लशर। जो ब्लशर पैलेट हम यूज़ कर रहे हैं ये आई मैजिक है, और जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं ये फैन ब्रश है। ये ब्लशर ब्रश है D212। और जो शेड हम यूज़ कर रहे हैं पिंक शेड है। और जब भी आप ब्लशर अप्लाई करो तो आप देख लो कैसे अप्लाई करना है, डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में। जो कंटूरिंग एरिया है कंटूरिंग से आपको नीचे नहीं आना चाहिए ब्लशर, और ब्लशर अप्लाई करना है डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में। और इस वाले ब्रश के साथ फिर जब हमारा ब्लशर अप्लाई हो जाए फिर इसके बाद सेम हम हाइलाइटर लेंगे। यह है मैक का ओहो डार्लिंग, और इसको जहाँ हमने हाइलाइटर अप्लाई किया था वहीं पे आपको रीटचिंग करना है डैब डैब एंड ब्लेंडिंग फॉर्म में। अब आप देख सकते हो चिक्स बोन और जो के बीच में हमने जो कॉम्पैक्ट लगाया इससे हमारे चिक्स बोन और भी ज़्यादा अपलिफ्ट हो रहे हैं, और अपोजिट साइड देख सकते हो ये